फ्रेंड्स, दिस इज किंजल और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज क्रेजी थिंग्स। बाय द वे, आज हो गया है 28/8/2023 और दिस इज किंजल। हैप्पी मंडे। आज मंडे है और मुझे आपको शेयर ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर अबाउट बिग बॉस। ऑफकोर्स आई हैव अ नो कंटेंट, क्योंकि मैं बिग बॉस ही चालू करूँगी। आप कहीं नहीं जा सकते बिग बॉस के बिना। बाय द वे क्या होता है, हाँ बाय द वे, ये मेरा फर्स्ट सीजन था जो मैंने इसको पूरे का पूरा एक एक डायलॉग, एक एक इंसान को मैं ऐसे जान रही थी जैसे वो मेरे घर का इंसान हो। इट इज़ क्रेजी थिंग कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पूजा जी कहीं मेरे घर आ जाओ, चाय पानी पी लो, थोड़ा सा खाना खा लो, जमाना कम करो और थोड़ी सी लॉजिक वाली बातें करो जो यूथ्स को भी समझ आ सके। ऐसे नहीं गटा के बस छोड़ दो। मुझे ये लगा कि लाइक उसकी उनके पास बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी बातचीत वगैरह, जो भी कुछ उनका जो बोलने का तरीका वगैरह है, जो लिजाज लवाज है, लिवाज जो भी कुछ है, बहुत ज़्यादा दमदार है, एकदम फोकसेबल है। मतलब कोई भी इंसान फटाफट एकदम कैचअप करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता है, तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। अगर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर वो दूसरी लड़ाई में दूसरी बार ऐसे सामने से बोल देते हैं और उसके बाद पूजा जी को अच्छा नहीं लगता और वैसा बोलते हैं, मैंने आपको समझाया था लेकिन आप समझे नहीं। तो क्या करें बच्चा, आप इतना सब कुछ फटाफट कर देती हो, फिर आप खुद समझ आ देती हो, खुद समझ आते हैं, फिर कन्फेशन करने के बाद आप बोलते हो हाँ ठीक है कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, तुमने तो बोल दिया, मैंने तुमको माफ़ कर दिया, मैं छोटे तुम बड़े, मैं छोटे तुम छोटे, मैं छोटी, क्या छोटा यार, स्टॉप इट, वॉट एवर। पूजा जी ज़्यादा अच्छी लगी नहीं थी मुझे इतनी अच्छी, पर क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एलविश का ऑब्वियसली वाइल्ड कार्ड एंट्री, विनर ऑफ बिग बॉस 2023 सीजन। बट यार एलविश अच्छा है ज़्यादा ही अच्छा है। बट अभिषेक के बारे में, यार मैं अभिषेक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सुन सकती, लिटरली आई लव फ्रॉम हार्ट। एलविश तो ठीक है क्योंकि एलविश आया था, लेकिन मतलब लाइक मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बाहर की जो दुनिया थी वो एलविश को सपोर्ट करती, लेकिन एलविश जो अंदर था वो लाइक ऐसे नहीं कि मतलब अभिषेक की तरह वो कर नहीं पा रहा था कि बोल सकते हैं ना कि इस चीज़ पर ऐसे बोला तो जोर से ऐसे जाके बोल देता है। वो सिर्फ उड़ाने आया था और उड़ाने आए थे और बाहर की सिस्टम, बाहर की जो चीज़ थी वो काफ़ी प्रो थी उनकी, वो ज़्यादा अच्छी लगी, काफ़ी सपोर्ट सिस्टम था उनका अच्छा सा। लेकिन जो अंदर वो कर रहे थे ना लाइक सबके साथ, मतलब झगड़ा वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, अगर वो इन्वॉल्व होते थे तो फिर उनका कुछ और ही निकल के आता था और ज़्यादा कुछ उनको कुछ मैटर नहीं कर रहा था, ऐसा हो रहा था। लेकिन अभिषेक थोड़ी सी भी बात करता था, अभिषेक थोड़ा सा भी कुछ करता था तो उसे सारी चीज़ें मैटर हो जाती थी। और पूजा जी है, अभी है, जो भी मेरा यार कितना प्यारा श्लोक है वो मेरा, जिसने भी सीरियल देखी है प्लीज़ कमेंट। और जो भी कुछ था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन अभिषेक को इतना मैटर क्यों करने दिया यार, छोड़ देते उसको भी कुछ चीज़ों में। अभी एक बार उसने बोला तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा यार, वाइल्ड कार्ड एंट्री में जीतने नहीं देंगे, जीत गया ना एलविश, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमने उस चीज़ को ज़्यादा सब मतलब ध्यान और फोकस उस चीज़ को, मतलब लाइक मुझे लगा कि विनर इसीलिए हो क्योंकि उसने ये चीज़ बोल दी और वो हार गया। और बात करते हैं हमारे आशिका की, तो आशिका ठीक थी, मतलब मज़ा आया उसको देखने में, बट वो थोड़ी सी कम बोलती और उसके नेचर की वजह से उसने बोला कि मैं ज़्यादा ऐसा नहीं करती वैसा नहीं करती, बट ठीक है अब क्या कर सकते हैं उस चीज़ के लिए हम। और उसके बाद मैंने देखा कि एक और थी जिसका नाम था, यार ये लोग शक्ल से कितने अजीब लग रहे थे ना, लाइक सुबह उठ के डांस करो तो कैसे लगते थे और फिर एकदम से मेकअप करके कैमरा के सामने आ जाते थे तो ना, तो लाइक क्या जादू ही चला दिया भाई, ऐसा लग रहा था मुझे। और हम बात कर रहे हैं अभी उसकी जो ज़्यादा बहुत हंस उसके, मतलब उसने पूरी सीज़न में हंस हंस के सबका मतलब वही किया है। और वो आई यू नो दैट वो क्या है, नाम भूल गया एक्चुअली, क्या नाम है उसका, अरे वही, अरे क्या नाम है उसका,
क्या नाम है भाई, मैं क्या नाम क्यों भूल गई यार, मेरी मिनट मेरी वीडियो मिनट में ज़्यादा बढ़ रही है, तो मैं नाम भूल गई उसका, क्या नाम है वो, ब्लश ब्लश करके आती थी, तब ब्लश करके आती थी ना। बीबिका की बात नहीं करी, बीबिका तो मैं इस वीडियो में बात ही नहीं करी, बीबिका बहुत ख़राब इंसान है, मैं बीबिका की बात नहीं करी, इंसान नहीं है वो, तो इंसान ही नहीं है वो, सिर्फ पोटी पोटी वाले लोग हैं जो मुझे, और वो इंसान नहीं, वो लोगों में आती है, ठीक है, एक इंसान नहीं है वो, ऐसी है वट एवर। बीबिका की बात मैं नहीं करी, मैंने किसी बीबिका की बात नहीं की, प्लीज़ बीबिका के दोस्त यहाँ पर आके दिमाग मत ख़राब कर देना मेरा। मैं बात कर रही थी क्योंकि जो यहाँ पर ब्लश फ्लश लगा के आती बड़ी प्यारी सी लग रही थी, लेकिन वो दिमाग नहीं चल रहा था, उसने ना एलविश को साबुन पिला दिया था। बोलो अभी तो कोई कर सकता है कि छोटे बच्चे सिक्स फिफ्थ की क्लास वाले बच्चे नहीं करते हैं, ये जो इसने कर दिया था, जिया जिया नाम था उसका, उसने ये काम कर दिया। अब बताओ ये कोई ये कोई बात हुई, मतलब ना अगर मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ ना, तो वो बच्चे भी ऐसा बोलेंगे मैम साबुन पिला दिया, साबुन पिला दिया मैम, इतनी बार क्वेश्चन किया उन लोगों ने मुझसे, ऐसे हालत हो गए थे, जिया क्यों किया ये, क्यों ही किया ये। और उसके बाद भी वो सीजन में रह गई, पहली बात तो वो बड़ी बार है, ठीक है, और बस वो पूरे टाइम हंसने लगी, सबके रिलेशंस में ऐसे बीच में आती रही जाती रही, सांप की तरह ऐसे यहाँ से यहाँ से निकलती रही, और फिर अंत में एक के लोग के पास आती रही, और फिर उसको पता चला कि भाई अभिषेक के साथ उसका बाहर हैशटैग बन रहा है, तो बहन ने ज़्यादा फ़ायदा उठाया और उसने ज़्यादा प्यारा तैयार होना शुरू कर दिया, और इतनी प्यारी तैयार होकर आती थी कि ना बताओ मैं आपको क्या करती थी, वो ना क्या करती थी, कुछ भी नहीं करती थी, वो तो सिर्फ बैठी रहती थी और यही काम करती थी। और सबसे प्यारी बात हम करते हैं श्लोक की, श्लोक को नहीं जानते क्या, श्लोक मतलब अवे कुमार चौधरी ऐसा कुछ नाम था, आई डोंट नो, चौबे चौधरी जो भी हमें क्या, बट यार अच्छा था यार, 36 साल का है तो क्या हो गया है, अभिषेक इतना मत बोलो यार, तुम 36 36 क्या होता है, तुम भी कभी 36 क्या हो जाओगे ना, ही इज़ गुड, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है उसका, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो जब चिढ़ जाता है ना तो, और वो सबको चिढ़ाने की कोशिश करता है ना, माय गॉड, लाइक हमको से लगता है कि भाई सामने वाले इंसान को बोले कि भाई तेरे साथ ये कर रहा है मत कर, ऐसा मत बोल, सामने मत बोल, ऐसा हो रहा था। और वो उसको पता था कि कौन कितनी लिमिट पर गुस्सा होता है, कौन कितनी लिमिट पर ठंडा बढ़ जाता है, तो उसने जो नोटिस किया है ना वो बेस्ट नोटिस किया है, उसने मतलब लाइक पूजा जी को जितना नोटिस किया, उसने बेबिका को जितना नोटिस किया, उसने पालक के तो बात ही नहीं करनी थी, सॉरी, अरे भाई ऐसे नहीं बोलती ना, हैशटैग। और क्या ही कर सकता है, इतना सब कुछ होने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि वो उन्होंने ज़्यादा कर रहा था, और फिर उसने जिया को भी ज़्यादा संभालने की कोशिश की, जिया को भी बार बार अपने पास लाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं है क्योंकि वो एक बार हैशटैग। और हमारी बात करते हैं स्क्रीनशॉट गर्ल मानिशा रानी, ओ माय गॉड, जब मैंने उसको देखा ना तो फिर मैंने फटाफट इंस्टाग्राम पे उसकी आईडी चेक की, और फटाफट मैंने उसको देखा कि ओ माय गॉड ये वाव, लड़की बहुत अच्छी थी, एकदम बिहारी वाले टोन, मतलब इतनी कूल लड़की थी ना कि लाइक सब लोग उसको गवार समझ रहे थे, मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि पूजा जी उसको गवार समझ रही थी, कहीं ना कहीं अवि चौधरी मतलब जो श्लोक है हमारा वो उसको गवार समझ रहा था, फलक उसको गवार समझ रही थी, मतलब सब लोग उसको इतना गवार क्यों समझ रहे थे, मुझे तो ये समझ नहीं आया, वो इतनी अच्छी थी, और अच्छा इंग्लिश की वजह से लोग बहुत ज़्यादा कुछ जज करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये हो नहीं पाया क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल रही थी वीडियो में, मतलब ये पूरे सीज़न में उसने अच्छा इंग्लिश बोला है एक्चुअली, और उसकी जो अपना अंदाज़ है वो सही था, पहले जितना ही था यार, उसमें क्या दिक्कत थी, अब क्या पूरे दिन राइमिंग बिठाती रहेगी क्या, ये लोग ऐसा बोल रहे थे पूजा जी वगैरह की लाइक ये तो पहले जैसे लड़की ही नहीं आई, तो जैसे कैसे होगी भाई, कैसे होगी, क्यों होगी, वो जब आप लोग बदल सकते हो तो वो क्यों नहीं बदल सकती अपने आप को, अब क्या पूरे दिन ड्राइविंग बिठाती रहेगी, हमका ये दे दो, हमका वो दे दो, हम तुम्हारा ये, हम तुम्हारा वो, ऐसा करती रहेगी क्या पूरे, उसमें दिमाग है। और भाई मतलब इन तीन लोगों की जोड़ी बेस्ट रही बेस्ट जो इतनी अच्छी रही है ना कि लाइक वाह, मज़ा ही आ गया सबको, इतना मज़ा आया कि लाइक लोग फाइनल तक आ गए, और सबको यही था कि मनीषा जीतेगी, लेकिन बिहार को था कि मनीषा जीतेगी, और ये जो पुतला वाला था ना कि लोगों का कॉन्सेप्ट था कि बाहर बिहार में पुतला चलेगा, दिल्ली में पुतला चलेगा, हरियाणा में पुतला चलेगा, दैट इज़ द बेस्ट, और उनकी एक अच्छी दोस्ती हमको सामने आई, और हमने भी सोचा कि यार ऐसे दोस्त होने चाहिए भले कितने भी,
लाइक अच्छा लगा देख के, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ इन्हों में कि हाँ वीडियो में देख लूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तो मुझे ऐसे ही आदत कर लूँ। उसके बाद सारे कंटेस्टेंट खत्म हो गए, सिर्फ एक एक का नाम है जेट। अच्छा था लेकिन आई थिंक सो फॉरनर था, इसीलिए बाहर का था, इसीलिए सब लोगों ने उसको ज़्यादा नोटिस करने की कोशिश नहीं की। और किसी ने भी, जिसने भी किया है, वो फिर मतलब लाइक लो लेवल पर ही है उसका नोटिस, सो वो ज़्यादा कुछ मैटर नहीं कर रहा था। लेकिन उसकी जो जिया के साथ जो जो भी तो कुछ था, मतलब एज अ फादर और डॉटर था, वो काफ़ी अच्छा रिलेशन था, देखने में अच्छा लग रहा था, बड़ा प्यारा और नेचुरली न्यूट्रल लग रहा था। बट कहीं ना कहीं सबको ऐसा लग रहा था कि ये लोग कुछ गलत वे में जा रहे हैं, सबको घर में सबको ऐसा लग रहा था। तो आई थिंक सो ये नोटिस करने की जैसी ज़रूरत थी। और बाकी सब तो मस्त था बिग बॉस में। आई जस्ट सपोर्ट तो अभिषेक, क्योंकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी बाहर सारी, बहुत मतलब ऐसे भाई होने चाहिए, ऐसे भाई। और एलविश का तो मैं बात ही मत पूछो, सारी गाड़ियाँ बाड़ियाँ सब कुछ आ गया था एलविश जिताने के लिए। मुझे चला रहा था कि इतनी जोर से, मतलब लाइक इतने सब जोर से तो एलविश को नहीं जिता दिया। बट सपोज सिस्टम ज़्यादा अच्छा था, मजाक कर रही हूँ भाई, किसी को एलविश को टैग मत कर देना। और मज़ा आया, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। प्लीज़ कमेंट कि आपको रिव्यू कैसा लगा, और आप मेरे रिव्यू से रिलेट कर सकते हो कि नहीं, मुझे प्लीज़ बताना। और मेरी नई सी चैनल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दैट, एंड प्लीज़ आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जो नया है वो नया है, मतलब कि आई विल ट्राई कि मैं अच्छी वीडियो बना के भेजूँ। और प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स देखना। थैंक यू।